नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे गूगल कैमरा के बारे में। जैसे कि जो अभी अपडेट आया है एंड्रॉयड 10 का जो बीटा वर्जन है, इसमें क्या हुआ है कि जो बहुत सारे फोन्स में जो गूगल कैमरा या जी कैमरा वो इनेबल कर दिया गया है। और भी है, जैसे कि अगर कोई भी आप अपडेट करते हो तो उसमें क्या होता है कि अपडेट के साथ साथ आपका जी कैम इनेबल कर दिया जाता है कुछ फोन्स में नहीं होता है। और जी कैम इनेबल करने का दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करके पीसी के थ्रू आप कमांड विंडो में एक कमांड टाइप करके उसके थ्रू आप अपना जी कैम जो है उसे इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मेरा जो अपडेट के साथ साथ जो मेरा जी कैम वो पहले से ही इनेबल कर दिया गया था, मतलब पहले से ही इनेबल हो गया था। तो यहाँ पर मैंने जो है गूगल कैमरा 7.0 आस्ट्रो फोटोग्राफी जो है उसको मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गूगल कैमरा 7.0 आस्ट्रो फोटोग्राफी है। और दोस्तों ये जो है ये मेरा नॉर्मल कैमरा है उसका, और ये जो तीसरा है यहाँ पर ये इसका क्लोन वर्जन है आस्ट्रो फोटोग्राफी का। तो यहाँ पे मैं आपको इसी ऐप के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फंक्शन और फीचर्स जो है वो ऐड ऑन किए गए हैं, ये कैसे हमारा डिफरेंट है जो नॉर्मल कैमरा है उसके थ्रू। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते जो नॉर्मल कैमरा यहाँ पर है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये इस टाइप से ये इसका जो नॉर्मल कैमरा है वो यहाँ पे आपको पता ही होगा जो अपडेट के बाद जो एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट आया है उसके बाद ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे ये फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम गूगल 7.0 आस्ट्रो फोटोग्राफी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल कैमरा 7.0 आस्ट्रो फोटोग्राफी को ओपन करके दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का इसका आपको इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पर ये जो है दोस्तों ये जूम के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8x तक जूम हो जाता है यहाँ पर दोस्तों ये, और ये हमारा ब्राइटनेस के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये सही से नहीं, क्योंकि मैं घर में हूँ तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर सही से नहीं आ रहा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है यहाँ पे दोस्तों, जो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको नाइट साइट मिल जाता है, लेंस ब्लर मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है इसके अंदर, तो इसमें आपको हर किसी में आपको जूम और ब्राइटनेस का जो फंक्शन है वो दोस्तों वो मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आते हैं दोस्तों मोर में, तो मोर में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 5 यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहला है जो है पैनोरामा, दूसरा है फोटोस्फेयर, तीसरा है स्लो मोशन, चौथा है टाइम लैप्स और 5वां है लेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है जिसमें से मेरा जो स्लो मोशन है वो काम नहीं कर रहा है। जब भी मैं स्लो मोशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टॉप हो जा रही है, क्योंकि जो अभी जो एंड्रॉइड 10 का जो बीटा वर्जन का अपडेट आया है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऐप्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं समटाइम्स, और या फिर ये पोस्ट ऑफ का आ गया है। तो यहाँ पे ये स्लो मोशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों टाइम लैप्स आपका सही काम कर रहा है, टाइम लैप्स आप जाके यूज़ कर सकते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये जो लेंस का दे रखा है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें अगर आप कुछ भी रखते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने अपना फ़ोन डाल रखा है यहाँ पर, अगर मैं इस पर सर्च पर क्लिक करता हूँ तो इससे रिलेटेड जो भी सर्चेज है देख सकते हो आपको यहाँ पर सेम टू सेम इसी टाइप की इमेज आपको मिल जाएगी यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये बड़ा ही अच्छा है, इसके अंदर मुझे यहाँ पर देखने को मिला ये जो गूगल लेंसेज है दोस्तों। इसके अलावा आपको पैनोरामा, फोटोस्फीयर, तो दोस्तों मैंने पैनोरामा और फोटोस्फीयर मैंने यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा मुझे इसका एक फ्यूचर लगा यहाँ पे जो दे रखा है दोस्तों। तो आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, तो आप जाके इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। आपको चेक करना होगा कि आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो गूगल कैम इनेबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, जो अगर आपने एंड्रॉइड 10 का बीटा वर्जन अपडेट कर लिया है तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है दोस्तों, जो कि है यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा टू प्रो भी। इस ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कैमरा टू API आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप हार्डवेयर सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे जो लेवल 3 का है वहाँ पे सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जो आपके जो फ़ोन है दोस्तों Asus MaxPro M1, तो इसमें क्या है कि आप जो ये जो गूगल कैमरा वो यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आप इस ऐप के थ्रू कैमरा टू प्रो के थ्रू आप अपना ये चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में गूगल कैम इनेबल है या नहीं, या फिर जी कैम इनेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 3 का मेरा यहाँ पे इनेबल हुआ है। तो इसके बाद मैंने ये जो है गूगल कैमरा जो 7.0 आस्ट्रो फोटोग्राफी ये जो मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो सेकंड वाला है ये इसका जो क्लोन है दोस्तों, तो सिंपल सेम ही है इसके अंदर कुछ फंक्शंस, लेकिन देख सकते हो जैसे कि नाइट साइट, लेंस ब्लर, ये सब इसमें सेम है। लेकिन जब मोर में जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है। तो क्लोन एक मतलब कि उसी का एक क्लोन बनाया गया है यहाँ पे देख सकते हो आप। इसमें भी यार जो स्लो मोशन है यहाँ पे ये फोर स्टॉप हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो फ़ोन है ये स्लो मोशन सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा था, वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ये डाउनलोड करना है दोस्तों। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।